अब पार्ट टू है और पार्ट टू डील करेगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, कार्ड्स वाला सिस्टम। ये कार्ड्स बहुत आता है आपके पास, ये थोड़ा समझ लो कार्ड्स के बारे में कि कितने कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, इनके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और उसमें से आपके पास 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 मतलब 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। रेड कार्ड में दो आपके पास कैटेगरी है, डायमंड, डायमंड के 13 कार्ड होंगे, और फिर हार्ट, हार्ट के 13 कार्ड होंगे। इसी तरह ब्लैक कार्ड में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, स्पेड या स्पैड जो भी है, मुझे नहीं प्रोनंसिएशन आती, और फिर क्या होता है क्लब, क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं। तो 13 13 13 52 कार्ड हो गए, ठीक। डायमंड में आपके पास कैटेगरी होती है कि जिसमें आपके पास 9 नंबर वाले कार्ड होते हैं, ठीक है, और नंबर वाले कार्ड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल 9 नंबर वाले कार्ड होंगे जिनके ऊपर नंबर लिखा होगा, ठीक है। बाकी 4 कार्ड जो होंगे उस सेट को, देखो एक सेट है नंबर वाला जिसको मैंने एन से शो किया हुआ है, और एक सेट होता है जिसमें आपके पास होता है जैक, क्वीन, किंग और एस, ठीक है। तो 4 ये वाले कार्ड होंगे और 9 नंबर वाले होते हैं, तो टोटल 13 आपके पास हो गए। और शुरू के 3 जो होते हैं ना, इसको हम फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है, बता दिए मैंने, शायद काम बहुत कम आता है लेकिन फेस कार्ड बोलते हैं इसको, फेस कार्ड, FACE फेस कार्ड, ठीक है। इसी तरह हार्ट में भी आपके पास ये होंगे, 9 नंबर वाले होंगे और आपके पास 4 जो हैं वो H वाले सेट के होंगे। स्पेड में भी यही सीन है, 4 H वाले और 9 नंबर आपके पास होंगे, और क्लब में भी आपके पास यही सीन होगा, ठीक है। अब कोई भी आपके पास सवाल आ जाए इसका, तो आपको आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कितने रेड होते हैं, कितने डायमंड, अच्छा रेड के अंदर, अच्छा ब्लैक के अंदर डायमंड कोई नहीं होता, ब्लैक के अंदर हार्ट कोई नहीं होता, रेड के अंदर सिर्फ डायमंड और हार्ट होते हैं, सही है। और अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने किंग होते हैं, तो देखो एक किंग यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो टोटल 4 किंग होते हैं, इसी तरह 4 क्वीन होती हैं, इसी तरह 4 जैक और 4 ही एस होंगे आपके पास। फेस कार्ड आपसे पूछा जाए तो टोटल 12 फेस कार्ड हैं, जैक, क्वीन, किंग, इसमें होगा जैक, क्वीन, किंग, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो आपसे फेस कार्ड का पूछा जाए तो आप बोलोगे 12 फेस कार्ड होते हैं, और कोई भी सवाल आपसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड के बारे में मैंने बता दिया, ये काफ़ी सवाल आता है प्रोबेबिलिटी में और काउंटिंग में भी आ जाता है आपके पास, ठीक है। सवाल पे आ जाओ, डाइस का भी बहुत आता है, अ डाइस इज थ्रोन, अच्छा जो सिंगुलर होते हैं उसको हम डाई बोलते हैं, डाइस प्लूरल को बोल रहे होते हैं, वैसे प्रॉपर वर्ड डाई होना चाहिए यहाँ पे। बहरहाल अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर, हमने एक डाई थ्रो की है, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। अगर आप डाई की बात करो तो उसके 6 फेसेस हैं, एक फेस पे लिखा होगा 2, फिर एक और फेस पे लिखा होगा 3, यार उर्दू में जिसको छक्का बोलते हैं वो है, लूडो में जो हम खेल रहे होते हैं, फिर एक होता है 5 वाला, और फिर एक फेवरेट वाला 6 वाला, ठीक है। तो टोटल उसके 6 फेसेस होते हैं, तो जब आप डाई थ्रो करोगे तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटी, या तो 1 आ जाए, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी समझ लो, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ऐसे मैं उल्टा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, डिवाइड से स्टार्ट किया पहले मैंने, और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। मतलब जो आपके पास इवेंट है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ये इवेंट क्या है, ऑड नंबर आना, ठीक है, कितने इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। किस तरह आप निकालोगे, देखो टोटल आउटकम कितने हैं, आउटकम मतलब जो आ सकता है ना रिजल्ट, तो टोटल 6 आउटकम है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब इवेंट हमारा फेवरेबल इवेंट कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम बोल दो आप, देखो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ऑड नंबर आपके पास आए, तो ऑड नंबर कितने आउटकम में आता है, इसमें ऑड नंबर आया, इसमें ऑड नंबर आया और इसमें ऑड नंबर आया, ठीक है। तो हमारे पास जो इवेंट है ना ऑड नंबर आना, इसके कितने फेवरेबल आउटकम हैं, 3 हैं, 1 2 3, टोटल 3 हैं जो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो फेवरेबल इवेंट कितने आपके, 3, टोटल इवेंट कितने, 6, तो आप डिवाइड करो 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि आपके पास ऑड नंबर आए, 1/2 मतलब 0.5, मतलब 50% चांस है जब आप डाई थ्रो करो तो आपके पास कोई एक ऑड नंबर आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। 2 में लिखा हुआ है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड,
हुआ क्या है कि 52 कार्ड थे, उसमें से 4 कार्ड जो आपने ड्रॉ कर दिए या ये बोल दो फेंक दिया आपने, मतलब सामने फेंके कहीं कचरे में ही फेंक दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डायमंड्स, वो पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सब डायमंड हो, मतलब उन 52 कार्ड में से जो आपने 4 फेंके हैं तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो चारों जो आपने फेंके वो क्या हो, डायमंड हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होगा, 52 कार्ड में से अगर आप 4 सेलेक्ट करोगे तो ये टोटल आउटकम है, मतलब 52 कार्ड में से आप 4 सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, आप कितने तरीके से 52 कार्ड में से 4 सेलेक्ट कर सकते हो, ये है आपके पास टोटल आउटकम। याद रखना कार्ड्स में हमेशा हम कम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता यहाँ पे। तो 52 कार्ड में से अगर मैं 4 सेलेक्ट करूँ तो कितने वेज हैं, टोटल 270725, इतने नंबर ऑफ वेज हैं, ये टोटल आउटकम है कि चूज़ करने के इतने तरीके हैं आपके पास, ठीक है। अब आपका जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम निकालो। हमारा इवेंट क्या है कि जो हम 4 कार्ड फेंकें वो सब डायमंड आए, ठीक है। अब चारों कार्ड डायमंड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल कितने डायमंड है आपके पास, 13। ये पॉसिबिलिटी कि 13 टोटल डायमंड कार्ड है उसमें से कितने हों, 4 डायमंड हो, इसके आप आउटकम निकाल लो। तो 13 आपके पास डायमंड कार्ड है उसमें से 4 आए, 715, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, देखो आपने 52 कार्ड्स हैं उसमें से आपने 4 फेंके हैं तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं, इतने नंबर ऑफ वेज हैं कि 52 कार्ड में से आप 4 सेलेक्ट करो, इतने आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक। ये है टोटल आउटकम। ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखो हमारा इवेंट क्या है कि हमने 4 फेंके वो सब डायमंड आए, ठीक है। अब डायमंड आने के कितने आउटकम हैं, 13 डायमंड हैं, 13 में से अगर 4 डायमंड आए तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं, मतलब 13 डायमंड में से अगर आप 4 डायमंड सेलेक्ट करो तो टोटल 715 वेज हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप इनको डिवाइड कर दो। अब अगेन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं क्या करूँ कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, मैं तो बहुत दफ़ा रिपीट कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 11/4165। पॉइंट में निकालना चाहो तो वैसे बहुत ही छोटी आ रही है, उसको छोड़ ही दो। तो किधर क्या सवाल, 11/4165 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 में लिखा हुआ है, अफेयर डाइस इज रोल वंस, एक आपके पास डाई है आपने उसको रोल किया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9। वो पूछ रहे हैं, अच्छा ये सवाल आप लोग खुद सोचो पहले, अगर आप एक छक्का फेंकोगे, ठीक है, वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी नंबर जब आप छक्का फेंको तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालो कि कोई भी नंबर आए लेस देन 9। अभी आप अक्कल से बता सकते हो जब भी आप छक्का फेंकते हो तो जो भी नंबर आता है वो लेस देन 9 ही होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। मतलब 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये इवेंट लाजमी ही होगा, और आपको पता है कि जब भी आप छक्का फेंकोगे कोई भी नंबर होगा वो 9 से लेस ही आएगा। मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, वो भी लेस देन 9 ही है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि यार जब भी आप फेंकोगे आपको पक्का यकीन है इस बात पे कि 9 से कम ही नंबर आएगा। तो यहाँ से आपको पता जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी इसके अंदर। 4 में लिखा हुआ है, 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ हमने रोल्स किए, रोल्स नहीं रोल किए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज़ 9। वो पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमने 2 डाई थ्रो किए ना तो सम आपके पास क्या है, 9 आए। टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, देखो अगर आप एक डाई थ्रो करोगे एक तो कितने आउटकम है, 6 आउटकम है, ठीक है। अगर आप एक और डाई थ्रो करोगे उसके भी आउटकम कितने, 6 हैं। अब यहाँ पे वही फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल लगेगा, दोनों अगर आप एक साथ करोगे तो मैंने बताया था जब एक साथ करोगे तो मल्टीप्लाई आता है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 36 आउटकम है, ठीक है। और अगर आप इसको ड्रॉ भी करना चाहो तो ये बुक में किया हुआ उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं ज़रा ढूंढता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने सब पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज़रा मैं क्या करूँ, एक मिनट रुको आप लोग। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो ये पॉसिबिलिटी सारी लिखी हुई हैं कि लेट कर लो आपने सबसे पहले डाई फेंका, ये टोटल 36 बन रही हैं, 36 आउटकम है आपके पास अगर आप 2 डाइस को एक साथ रोल करोगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पे भी 1 आए, दूसरे पे 1 आए, फिर पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, इस तरह करते करते पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, इसी तरह फिर आ जाओ पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, फिर पहले पे 2, दूसरे पे 2, 3, 4, इस तरह चलेगा। तो टोटल 36 आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी में डिवाइड क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो तो डिवीजन में क्या आता है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने, 36 है आपके पास, प्रोबेबिलिटी में टोटल आउटकम 36 है। अब जो इन्होंने इवेंट लिखा हुआ है वो इवेंट क्या है कि
प्रोबेबिलिटी दैट दे सम इज़ नाइन, कि उनका सम क्या हो, नाइन हो। तो अब यहाँ से देख सकते हो, सम ढूंढो नाइन। अच्छा, वन और सिक्स का सम नाइन नहीं हो सकता, टू और सिक्स का सम एट होगा, थ्री और सिक्स का सम क्या होगा, नाइन होगा। ठीक है, ये आप खुद भी वैसे मालूम कर सकते हो, पॉसिबिलिटी अगर आप निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। कि लेट कर लो, पहले पे थ्री आए और दूसरे पे सिक्स आए, तो सम क्या होगा, नाइन होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहले पे सिक्स आए दूसरे पे थ्री आए, इसका सम भी क्या होगा, नाइन होगा। फिर पहले पे फोर आए दूसरे पे फाइव आए, पहले पे फाइव आए दूसरे पे फोर आए। ठीक, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच सकती कि दोनों को आप ऐड करो और नाइन आए आपके पास। तो टोटल चार तरीके हैं आपके पास, चार फेवरेबल आउटकम है जो इस इवेंट को, इवेंट कौन सा आपका कि सम नाइन आए, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चार आपके पास तरीके हैं, टोटल आउटकम कितने, 36। 4/36 क्या होगा, 1/9। प्रोबेबिलिटी आपकी आगे 1/9, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब फाइव करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो चीज़ क्या है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बता रहा बहुत ज़रूरी है, 7.5 ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, तो ये तो सब आपके ऊपर से जा रहा होगा। देखो एडिशन लॉ क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो दैट इवेंट ए और बी अकर, आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि इवेंट ए अकर हो या इवेंट बी अकर हो, तो जब या का वर्ड आ जाए ना इंग्लिश में और उर्दू में या जो हम बोलते हैं, तो हम लिखते किस तरह हैं, हम यूनियन करके लिखते हैं, इसको याद कर लो। जब भी और की बात की जाए तो यूनियन आप लिखोगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। और जो इंटरसेक्शन जो होता है ये एंड के लिए यूज़ होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो ए एंड बी की, मतलब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इवेंट ए भी अकर हो और उसके साथ बी भी अकर हो, दोनों अकर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब और आए तो यूनियन इस्तेमाल करते हैं, और जब एंड आए तो हम इंटरसेक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सवाल में ज़्यादातर पी ए और पी बी आपको गिवन होगा, ठीक है, ये किस तरह निकालोगे। देखो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए एंड ई बी अकर, ये बराबर होगी जीरो के अगर इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते क्या हैं, कि जो दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। जैसे आप लेट कर लो, एक इवेंट है हेड आना, आपने जो क्या बोलते हैं टॉस जो है कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब एक इवेंट है हेड आना, एक इवेंट है टेल आना। अब ये दोनों इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्यों, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने जो कॉइन जो है उसको टॉस किया, आपके पास हेड भी आ जाए और आपके पास टेल भी आ जाए, ठीक है। तो इवेंट हेड आना और इवेंट टेल आना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो जब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते तो एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। भाई जब दो इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी क्या होगी, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देखो तीन वर्ड हैं जो बहुत तंग करेंगे आपको, ठीक है। एक वर्ड होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मैंने समझा दिए। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, और एक होता है डिपेंडेंट इवेंट, ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट के बारे में आपकी बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं और वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ डिपेंडेंट इवेंट होते कौन से। डिपेंडेंट इवेंट ये है कि लेट से मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब आपके पास 52 कार्ड हैं, ठीक है। इवेंट ए क्या है कि आप डायमंड कार्ड उठाओ, 52 में से अगर आप डायमंड कार्ड एक उठा लोगे तो लेट से अगर डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो 13/52 आएगी, मतलब 1/4 आएगी, ठीक है। आपने डायमंड कार्ड उठा लिया, ठीक है, अब कितने कार्ड रह गए, 51 कार्ड रह गए। अब इवेंट बी क्या है, जैक जो है वो आपने उठाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने जैक कार्ड होते हैं, 4 होते हैं, और टोटल कितने कार्ड बच गया, 51 कार्ड बच गए। तो जैक उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/51 होगी। अगर आप गौर से देखो ये इवेंट बी जो है कि आप जैक चूज़ करो, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये इवेंट ना होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, 4/52 होती। ये इवेंट हो गया और इस इवेंट होने का नुकसान ये हुआ कि जैक की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, 4/51 होगी। इसका मतलब है इवेंट बी जो है वो ए पर डिपेंड कर रहा है कि अगर ए इवेंट होगा तो उसके हिसाब से जो इवेंट बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही हो। तो इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर आप इंडिपेंडेंट इवेंट को समझो तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट तो बहुत ईजी है। लेट से आप वो कॉइन की बात कर लो कि इवेंट ए जो है आपके पास, इवेंट ए जो है वो क्या है, हेड आना, ठीक है, और इवेंट बी जो है वो क्या है, टेल आना, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों, एक दूसरे पर असर नहीं है।
आपने कॉइन को टॉस करोगे हेड आया, ठीक है। इवेंट बी जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा इवेंट ए के ऊपर, कि अगर इवेंट ए हो गया है तो उसके हिसाब से इवेंट बी होगा। भाई इवेंट ए अगर हेड आ गया तो दूसरी दफ़ा टेल भी आ सकता है, दूसरी दफ़ा हेड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनका ये नहीं कि अगर ये होगा तो उसके बाद ये हो रहा होगा, या इन दोनों का एक दूसरे पर असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो आपको मैंने पहले ही समझा दिए, तो एमसीक्यूज में मैंने थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जितना मैं दे सकता हूँ।